subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. स्वच्छ नवी मुंबई मिशन के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री संगीतकार शंकर महादेवन ने 21 डे चैलेंज एसएस म्यूजिकल नाइट 2021 में लोगों को किया संबोधित। नवी मुंबई शहर को देश में नंबर एक बनाने के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि शहर में स्वच्छता महत्वपूर्ण है, भले ही अंतिम चरण में प्रतियोगिता थोड़ी कठिन हो, क्योंकि इसे नंबर एक दृढ़ संकल्प के साथ तैयार किया गया है। 21 दिनों की स्वच्छता की आदत यानी कि 21 डे चैलेंज वर्चुअल इवेंट में एसएस 2021 म्यूजिक नाइट पहल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ऑनलाइन भाग लिया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की है। देखिए, ऐसा है कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, एक शुरुआत किया था उन्होंने 2016 में सबसे पहले बार, और जब 2016 में किया था तो केवल 73 शहरों का, जो कि हमारे मिलियन प्लस सिटीज थे, उसमें किया। अगले साल जब हमने 2017 में किया था तो हमने उसको बढ़ाकर उसकी धारा को जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा आबादी के शहर थे उसमें 432 शहरों को किया। फिर अगले साल उसको बढ़ाकर के हमने 5.5 शहरों को कर दिया था, 4,000 से ज्यादा सर। इस प्रकार से धीरे धीरे तो दायरा बढ़ता चला गया। दूसरा, दायरा बढ़ाने के साथ ही साथ हमने इसके हर एक बार बेंचमार्क को ऊपर करते चले गए, क्योंकि देखिए स्वच्छता के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच, जो ये पहले बार देश में मुहिम थी 15 अगस्त 2014 को, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बात की कि जब हम गांधी जी का 150वीं जयंती मनाएंगे उस समय देश को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, और वही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अपने राष्ट्रपिता बापू के लिए। और इसका नतीजा रहा कि पूरी एक मुहिम, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर क्षेत्र हो, सब जगह एक इसके ऊपर बड़ा मेजर एक्शन हुआ, और कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो लोग सोच रहे थे 2014 में कि ये कितनी शायद ये संभव नहीं हो पाए अपने देश में, आज हर एक को विश्वास हो गया कि हमारा देश बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, ऐसी जगह हो जाएगा जहां पे आप सोचते हैं कि ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं। तो चाहे वो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में हो, चाहे वो हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में हो, चाहे लोगों की आदतों के बारे में, बड़ी आदतें लोगों की हुआ करती थी कि गाड़ी का थोड़ी सी खिड़की खोला या दरवाजा खोला, सामान उठा करके फेंक दिए, अब ऐसे नजारे आपको बहुत कम मिलते हैं। आप ऐसे नजारे नहीं मिलते लोगों की अपने खिड़कियों से सामान उठा करके फेंके, पहले ये बड़ा आम हुआ करता था, और अगर लोग न फेंके तो लगता था कुछ गलत हो गया, कुछ आपको एक अलग सा अनुभव होता था। और इसको करने में हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण का बहुत बड़ा हाथ। मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं अपने तमाम सारे नागरिकों का। आज मैं आपको बता दूं कि जो सर्वेक्षण जो चल रहा है 2021 का, इसमें 3,32,00,000 लोगों के इंडिविजुअल हमें फीडबैक प्राप्त हुए। आप सोच सकते हैं करीब 40 करोड़ की आबादी में 3,32,00,000 को, ये सब ऐसे है एक आदमी अगर 12 बार भी देता तो उसका एक ही माना जाएगा। आप जानते कैसे हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसको कर रहे हैं। इस मौके पर एमएनसी आयुक्त अभिजीत बांगर ने 21 दिनों की चुनौती के बारे में जानकारी देने के बाद केंद्रीय सचिव नवी मुंबई को देश से सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक बताते हुए अपनी राय व्यक्त की है। सर, एज यू राइटली सेड, लास्ट टाइम वी वर थर्ड इन द कंट्री, इस बार डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू बी द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। वी नो द चैलेंज इज वेरी टफ, बट निश्चय केला नंबर पहला, सर, और स्लोगन इज निश्चय केला नंबर पहला, सो दैट इज द स्लोगन वी आर गोइंग अहेड विथ। Just to take the point which Secretary said put forth, definitely Swachh Sarvekshan has been a very tough competition. I have been associated with Swachh Sarvekshan for last 6 years in various capacities, earlier as collector and then as commissioner. And I must mention that every year it has been getting tougher, and it has been getting unpredictable totally. And that's why we always are on our toes. The idea behind 21-day challenge was Swachhata messaging should not be only about preaching. Through entertainment as well, we can pass this message on, and that was the reason why we requested Shankar Mahadevan ji. I would like to ask you, you have been living in Navi Mumbai for so many years now. As a Navi Mumbaikar, how do you see the evolution of city in terms of Swachhata? नवी मुंबई शहर को देश में नंबर एक बनाने के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि शहर में स्वच्छता महत्वपूर्ण है, भले ही अंतिम चरण में प्रतियोगिता थोड़ी कठिन हो, क्योंकि इसे नंबर एक दृढ़ संकल्प के साथ तैयार किया गया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। इतना बड़ा जो कार्यक्रम है उसमें आप लोगों ने मुझे सहभाग करवाया, उसके लिए बहुत सेक्रेटरी जी, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। आप आए ये प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए है ये जो कार्यक्रम जो हमने लिया है यहाँ पर, और ये जो 21 डेज चैलेंज, इट इज़ अ यूनिक आइडिया. जैसे कहते हैं कि 21 डेज में हैबिट बन जाता है किसी को, तो वी हैव अ लॉट ऑफ विनर जिन्होंने बहुत मेहनत की है. एंड आई हैव बीन अ नवी मुंबईकर फॉर द पास्ट एटलीस्ट 25 ईयर्स. 25 साल से मैं यहीं हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग आई विल ऑलवेज बी अ नवी मुंबईकर, क्योंकि ये जो शहर है इसमें इसका जो वास्तु है सर ये बहुत पॉजिटिव है. एंड द वे इट इज प्रोग्रेसिंग, जैसे इवॉल्विंग सिटी कहते हैं ना, इट इज ट्रूली इवॉल्विंग इन द राइट स्पिरिट. और जिस तरह से वो प्रोग्रेस हुआ है इन सो मेनी ईयर्स, मैंने जो देखा है डेवलपमेंट वाइज, पीपल वाइज, पीपल का जो सिविक सेंस है इन दिस सिटी इज अमेजिंग. लोग जानते हैं कि मुझे ये करना नहीं चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे सिविक सेंस इज वॉट मैटर्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट. हम लोग आप लोग कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सिटीजन्स है इट इज अ वो जन आंदोलन है. तो यू नो पीपल हैव टू पार्टिसिपेट, वो करते हैं नवी मुंबई में. और आपने जो काम किया है सर, इट इज अनबिलीवेबल. आप देखें सेक्रेटरी जी, आप आइए हमारे शहर में, आप देखेंगे कोई ऐसी दीवार नहीं है. यहाँ पर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से आर्टिस्ट बुलाए गए हैं. पूरे शहर के सारे दीवार जो है ब्यूटिफुली ब्यूटिफिकेशन किया गया है. और जो ओपन डेफिकेशन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इट्स कम्प्लीटली इराडिकेटेड. तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अवेयरनेस है, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड सिविक सेंस, आई रिपीट अगेन, सिविक सेंस इस शहर का बहुत बढ़िया है. एंड एट द सेम टाइम वेन यू हैव यू नो समबडी लाइक द NMMC एंड हुज कोऑपरेटिंग सो मच एंड लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो, तो वो बहुत बड़ी बात है सर. कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सो मच. एंड यार, आवाज टुडे ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.